नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वरमय टाइम्स में। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सृष्टि पांडे। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पाकिस्तानी कर्नल ने दिए 30,000 रुपए, छत्तीसगढ़ को मिल रहा सम्मान। अडानी ग्रुप ने किया NDTV का टेक ओवर। भारतीय सेना ने 24 अगस्त को जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में LOC के किनारे घुसपैठ की कोशिश के दौरान मारे गए 2 आतंकवादियों के शव बरामद किए। इससे पहले 21 अगस्त को घायल हालत में लश्कर ए तैयब के एक गाइड की गिरफ्तारी की गई थी, जो पिछले 6 वर्षों में दूसरी बार सीमा पार से इस तरफ घुसपैठ करने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किया गया था। मीडिया से बात करते हुए तबरक हुसैन ने कहा, मैं 4-5 अन्य लोगों के साथ वहां पाकिस्तानी सेना के कर्नल यूनुस द्वारा भेजे गए एक आत्मघाती मिशन पर था। उन्होंने मुझे भारतीय सेना को निशाना बनाने के लिए 30,000 रुपए दिए थे। अगस्त को क्या कर रहे थे आप, इतना नजदीक जो आर्मी पोस्ट के पास आ गए, आप क्या कर रहे थे? अरे फिरने सुनने। आपके साथ कितने और लोग थे, कितने लोग और आए थे आपके साथ? 4-5 लोग थे। 4-5 लोग थे। किस मकसद से आए थे पोस्ट के पास? मरने के लिए आए थे। किसने भेजा था? चौधरी यूनुस ने। वो कौन है चौधरी यूनुस? कौन है? चौधरी यूनुस कौन है? आर्मी है। किस वास्ते दिते सी? की आख्या पैसे देके की आख्या उन्हें? पार जाके दो माता शो। किन्नी आर्मी दी पोस्टें दी रखी की थी? आर्मी दी पोस्टें ऊपर हमला करने था ये बोलिया सी? किन्नी पोस्टें दी रखी की थी? एक दो की। की बोलिए पोस्ट पे हमला करना है आर्मी दी? ट्रेनिंग कुदर ट्रेनिंग किने दी थी? ISI ने। आउटलुक ट्रेवलर्स अवार्ड 2022 में छत्तीसगढ़ के बस्तर को विशेष जूरी अवार्ड के साथ बेस्ट ऑफ बीट डेस्टिनेशन के रूप में सम्मानित किया गया है। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी द्वारा कल दिल्ली में एक समारोह में ये पुरस्कार प्रदान किए गए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आउटलुक ट्रेवलर्स अवार्ड यात्रा और पर्यटन उद्योग में दिए जाते हैं, सर्वश्रेष्ठ में से श्रेष्ठ को सम्मानित करते हैं। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के नाम एक और उपलब्धि दर्ज हुई है। आपको बता दें कि आने वाले 27 अगस्त को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट नोडल एजेंसी अवार्ड के लिए क्रेडा को कोचिन में अवार्ड दिया जाएगा। इसी के साथ सर्वाधिक सौर सिंचाई पंप स्थापित करने में भी छत्तीसगढ़ अव्वल है। अडानी ग्रुप ने न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड NDTV में 29% हिस्सेदारी खरीद ली है, जिसके बाद समूह ने कहा कि वह एक ओपन ऑफर भी लॉन्च करेंगे ताकि 26% हिस्सेदारी और खरीदी जा सके। हालांकि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड को भेजे नोटिस में NDTV ने कहा कि अधिग्रहण की जानकारी उसे नहीं दी गई थी और उसने दावा किया है कि उसके संस्थापकों प्रणय रॉय और राधिका रॉय से इस बारे में ना तो कोई बातचीत हुई है ना ही उनसे सहमति ली गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रॉय दंपति की NDTV में 32.26% हिस्सेदारी है। NDTV ने एक बयान में कहा था कि वे व्यक्तिगत रूप से और अपनी कंपनी RRPR होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से NDTV की कुल चुकता शेयर पूंजी का 61.45% रखना जारी रखते हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हमने पत्रकारिता से कभी कोई समझौता नहीं किया है, हम आज भी उसी पत्रकारिता के साथ गर्व से खड़े हैं। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।